नमस्कार, मैं राजमोहन तिवारी, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। पिछले साल लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान बिहार में महागठबंधन का एक नारा बहुत लोकप्रिय हुआ था। वह नारा था, माछ भात खाएंगे, महागठबंधन को जिताएंगे। इस नारे के तहत बिहार भर में माछ भात के भोजन का आयोजन काफी ज्यादा किया गया था। इस माछ भात जैसे रोचक आयोजन का प्रस्ताव विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने दिया था। हालांकि यह बात अलग है कि इसका फायदा सिर्फ खाने वालों को हुआ, खिलाने वालों को नहीं, क्योंकि मोदी के नेतृत्व में एनडीए का राष्ट्रवाद बिहार में महागठबंधन के माछ भात पर कहीं ज्यादा भारी पड़ गया। बिहार में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन कोरोना के कारण भारतीय राजनीति का केंद्र बिंदु रही बिहार के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि चुनाव इतना नजदीक होने के बावजूद बिहार की सड़कें राजनीतिक माहौल से दूर हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोरोना के संकट में बिहार राजनीति से दूर रहेगा। शायद बिहार और यहाँ के नेताओं के लिए कोरोना उतनी बड़ी बीमारी नहीं है जितनी बड़ी बीमारी यहाँ की राजनीति है, क्योंकि आजादी की लड़ाई से लेकर वर्तमान का इतिहास उठाकर देख लीजिए, बिहार को आप राजनीति के बिना परिभाषित ही नहीं कर सकते। कोरोना के कारण बिहार में अब वर्चुअल रैली का दौर शुरू हो चुका है। अब आपको हाथों में पार्टी का झंडा लिए कोई कार्यकर्ता तेज धूप में खड़ा नजर नहीं आएगा, क्योंकि अब वो हाथ में स्मार्टफोन लेकर अपनी पार्टी के जीत की हुंकार भरेगा। 5 जुलाई रविवार को विकासशील इंसान पार्टी के संयोजक मुकेश सहनी ने भी वर्चुअल रैली के द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने निषाद जाति के हितों की सुरक्षा, बिहार में उनको आरक्षण दिलाने पर जोर दिया। उनके संबोधन से एक बात साफ थी कि उनकी इस रैली का सबसे बड़ा मकसद निषाद जाति और इसकी सभी उपजातियों को विधानसभा चुनाव के लिहाज से एक साथ रखना है। इसके अलावा चुनाव नजदीक होने के बावजूद महागठबंधन में किसी को भाव नहीं दे रही राजद को भी यह बताना था कि वीआईपी राजद के सहयोग के बिना भी चुनाव में उतरने के लिए तैयार है। पर अब सवाल यही है कि मुकेश सहनी के नेतृत्व में लगभग 2 साल पहले बनी विकासशील इंसान पार्टी का बिहार में कितनी ताकत है? क्या महागठबंधन के सहयोग के बिना वीआईपी बिहार विधानसभा के चुनाव में दूसरे दलों को टक्कर दे पाएगी? इसका जवाब जानने के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं 2019 अक्टूबर में, जहां बिहार विधानसभा के 5 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। वीआईपी सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट पर महागठबंधन की तरफ से जेडीयू के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारना चाहती थी, लेकिन राजद वीआईपी को नजरअंदाज कर जफर आलम को अपना उम्मीदवार बनाती है। राजद के इस फैसले से नाराज सहनी ने महागठबंधन में रहते हुए राजद के सामने अजय निषाद को अपना उम्मीदवार बनाया। एक ही गठबंधन के 2 उम्मीदवार होने के बावजूद भी राजद के जफर इस्लाम 71,435 वोट लेकर जीत हासिल करने में सफल रहे, जबकि वीआईपी इस सीट पर लगभग 25,000 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रही। शायद इसी चुनाव परिणाम से राजद अति आत्मविश्वास की शिकार हो चुकी है और वह वीआईपी को उतनी तरजीह अभी नहीं दे रही है। पहली बार किसी चुनाव में अकेले लड़ी मात्र 1 साल पुरानी पार्टी के लिए 25,000 वोट पाना उतना खराब प्रदर्शन नहीं कहा जा सकता। साथ ही राजद को यह भी याद रखना चाहिए कि मल्लाह बिरादरी में 2 दर्जन उपजातियां हैं और अनुमान के मुताबिक बिहार में करीब 10% आबादी मल्लाहों की है। खासकर उत्तर बिहार में जहां नदियां अधिक हैं, वहां इनका वोट हार जीत में बड़ा किरदार निभाता है। माना जाता है कि वीआईपी के आने से पहले इस जाति का सर्वाधिक समर्थन राजद को मिलता रहा है, लेकिन अब उनके पास भी विकासशील इंसान पार्टी और मुकेश सहनी के रूप में अपनी पार्टी और अपना नेता मौजूद है, इसलिए उनको मुकेश सहनी से बहुत उम्मीदें हैं। मल्लाहों के लिए मुकेश सहनी सशक्तिकरण का प्रतीक बनकर उभरे हैं। मल्लाह समुदाय अति पिछड़ा समुदाय है, ये काफी गरीब है। मल्लाहों में करोड़पति आपको ढूंढने से ही मिलेगा, लेकिन मुकेश सहनी करोड़पति हैं और मल्लाहों के लिए यह गर्व की बात है। मुकेश यंग भी हैं और मछुआरों के अधिकारों को लेकर खुलकर अपनी बात रखते हैं। दरभंगा, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और भागलपुर के कई क्षेत्र में मल्लाहों का वोट निर्णायक होता है, इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि मुकेश सहनी महागठबंधन की सफलता के लिए उतने ही जरूरी हैं जितनी कि कांग्रेस और रालोसपा। धन्यवाद।